ग्राफिक्स के जरिए तो उन्हें समझाने हैं कि आखिर कौन ने रमेश पदूरी लंबे समय तो आरएसएस संगठन नाल जुड़े रहे, एबीवीपी नाल लंबे समय तक रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बीकम होना वालों की गई, फिलहाल ना सिर्फ ओह एमपी ने बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के विच वकील भी ने। 2003 तो लैके 2014 तक वह एमएलए रहे, 2014 तो 2019 साउथ दिल्ली तो सांसद रहे, यानी कि 2014 ते 2019 साउथ दिल्ली तो सांसद रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के विच वकील भी ने। जिहड़े वकील ने उन्हां नूं तां एक एथिक्स का पता होंदा, लॉ का पता होंदा है कि आखिर असी किस तरह के शब्द जिहड़े ने वह पार्लियामेंट के विच इस्तेमाल करने ने, पर उसके बावजूद रमेश पदूरी अक्सर अपने बयान के कारण विवादों के विच घिरे रहिंदे ने। हालांकि ये भी दस दिए क्योंकि संजय सिंह जिस तरह दस रहे थे कि सानू सस्पेंड कर दिया गया, ये दस दिए कि तीन जिहड़े सांसद ने उन्होंने सस्पेंड किया गया मानसून सैशन के विच। संजय सिंह कार्रवाई च बिघन पाउण दे इल्जाम उन्हां ते लगे, उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा मते च बिना इजाजत एमपीज का ना पा के फर्जीवाड़े दे इल्जाम लगे से कि उन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए ने, उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। डेरिक की गल की जाए टीएमसी तो ने सदन का अपमान करन दे इल्जाम उन्होंने लगे से इन्हों भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इन्हों शायद जिहड़ियां गलतियां सी ओह रमेश पदूरी नालों बहुत घट सी, पर उसके बावजूद इन्हों ते कार्रवाई की गई, एक्सपंज कर दी गई। जबकि रमेश पदूरी के बयान एक्सपंज करना की होंगे कि तुसी रिकॉर्ड तो उसनों हटा दो, यानी कि वह रिकॉर्ड के विच नहीं रहेंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं रहेंगे। बट रमेश पदूरी वालों जेड़ा कुछ बोलिया गया है वह संसद विच हमेशा गूंजेगा। हालांकि दस दिए कि फिलहाल बीजेपी वालों जरा नोटिस दिता गया है रमेश पदूरी नूं, ते ये देखना होगा कि की रिप्लाई उहदे वल्लों दिता जांदा है। पर ये भी दस दिए कि संसद दे विच जिहड़े एम पीज ने उन्हां वल्लों इस बयान की निंदा की गई है। ग्राफिक्स के जरिए तो उन्हें समझाने हैं कि आखिर कौन ने रमेश पदूरी लंबे समय तो आरएसएस संगठन नाल जुड़े रहे, एबीवीपी नाल लंबे समय तक रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बीकम उन्हां वल्लों की गई, फिलहाल ना सिर्फ ओह एमपी ने बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के विच वकील भी ने। 2003 तो लैके 2014 तक वह एमएलए रहे, 2014 तो 2019 साउथ दिल्ली तो सांसद रहे, यानी कि 2014 ते 2019 साउथ दिल्ली तो सांसद रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के विच वकील भी ने। जिहड़े वकील ने उन्हां नूं तां एक एथिक्स का पता होंदा, लॉ का पता होंदा है कि आखिर असी किस तरह के शब्द जिहड़े ने वह पार्लियामेंट के विच इस्तेमाल करने ने, पर उसके बावजूद रमेश पदूरी अक्सर अपने बयान के कारण विवादों के विच घिरे रहिंदे ने। हालांकि ये भी दस दिए क्योंकि संजय सिंह जिस तरह दस रहे थे कि सानू सस्पेंड कर दिया गया, ये दस दिए कि तीन जिहड़े सांसद ने उन्होंने सस्पेंड किया गया मानसून सैशन के। संजय सिंह कार्रवाई च बिघन पाउण दे इल्जाम उन्हां ते लगे, उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा मते च बिना इजाजत एमपीज का ना पा के फर्जीवाड़े दे इल्जाम लगे से कि उन्होंने फर्जी सिग्नेचर किए ने, उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। डेरिक की गल की जाए टीएमसी तो ने सदन का अपमान करन दे इल्जाम उन्होंने लगे से इन्हों भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इन्हों शायद जिहड़ियां गलतियां सी ओह रमेश पदूरी नालों बहुत घट सी, पर उसके बावजूद इन्हों ते कार्रवाई की गई, एक्सपंज कर दी गई। जबकि रमेश पदूरी के बयान एक्सपंज करना की होंगे कि तुसी रिकॉर्ड तो उसनों हटा दो, यानी कि वह रिकॉर्ड के विच नहीं रहेंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं रहेंगे। बट रमेश पदूरी वालों जेड़ा कुछ बोलिया गया है वह संसद विच हमेशा गूंजेगा। हालांकि दस दिए कि फिलहाल बीजेपी वालों जरा नोटिस दिता गया है रमेश पदूरी नूं, ते ये देखना होगा कि की रिप्लाई उहदे वल्लों दिता जांदा है। पर ये भी दस दिए कि संसद दे विच जिहड़े एम पीज़ ने उन्हां वल्लों इस बयान की निंदा की गई है।